खबर गाजीपुर से है, जहां महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाने पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा की मेहनत है कि आज सभी दल महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मना रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि आज राष्ट्रपति पीएम से लेकर सीएम की जुबान पर महाराजा सुहेलदेव का नाम है, ये हमारी उपलब्धि है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के विजय पर्व के अवसर पर अपने समाज के लोगों में से प्रत्येक घर में 10 दीप जलाने की भी अपील की, ताकि अपने समाज के महापुरुष को हम याद कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हें जाने। ओपी राजभर ने बीजेपी से अपनी बढ़ती नज़दीकियों के सवाल को टाक गए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है पूरे देश में। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले मैंने शुरू किया, आज उपलब्धि है कि भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने इतना मेहनत किया कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है विजय दिवस और सभी दल के लोग मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो कल तक मानते नहीं थे उनको भी मजबूर कर दिया, और पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में हम लोग और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है लोग मना रहे हैं। क्योंकि ये कटु सत्य है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो इतिहास पाताल में गड़ा था उस इतिहास को निकाल करके हम लोग धरातल पे ले आए। आज हर जिले में 25-50 महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी। आज नौजवानों के जबान पे ही नहीं, देश के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री गृह मंत्री पूरे देश के जिम्मेदार लोगों के जबान पे भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को ला दिया। ये हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आपने 10 दीपक जलाने की बात कही है। देखिए, जब कोई भी विजय हासिल की जाती है इतिहास को उजागर करने के लिए, बार बार आप देखते हैं कि भगवान राम जब रावण को लंका में मारा वापस हुए अयोध्या आए तो पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाता है दीपावली के दिन। तो आज 10 जून है, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने आज ही विदेशी आक्रमणकारी को वध किया नानपारा मैदान बहराइच में। तो आज उनके खुशी में उनके विजय में हम लोग नहीं दीपक जलाएंगे तो दूसरा कैसे जलाएगा। तो आज हमने पूरे देश में ऐलान किया है कि जो जहां है जो महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को आदर्श को मानता है वो वहां अपने अपने घरों पर 10 दीपक जलाए। आज आपके छोटे भाई अनिल राजभर भी जो है विजय दिवस मना रहे हैं। देखिए, वही नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदय को भी मजबूर कर दिया कि अभी आपने 26 जनवरी को देखा, बसंत पंचमी था उसी दिन, उन्होंने अपनी आईडी से पूरे देशवासियों को महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मदिन जयंती की बधाई दिया था। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को, सदेश के सभी लोग मना रहे हैं। नेता जी, अगर बात करें जो विपक्ष की, तो विपक्ष जो 23 जून को बैठक करने वाला है, 15 दो लोग नेता मौजूद रहेंगे, क्या गठबंधन की प्रारंभिक जो सहमति बन चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक कोई रिजल्ट न आ जाए तब तक क्या कहा जाए। ये बातें हम तो 2 महीना से ऊपर हो गया सुन रहे हैं कि कभी तमिलनाडु में बैठक हो रही है तो कभी कलकत्ता हो रही है तो कभी लखनऊ हो रही है, कभी दिल्ली हो रही है। तो 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उस मंच पर अखिलेश राहुल और केजरीवाल भी दिखने की बात है, क्या लगता है तीनों पार्टी एक साथ आ सकती है? देखिए, अगर ये लोग वास्तव में विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर होना चाहिए, तभी विपक्षी एकता जिस तरह जनता पार्टी बनी थी उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग ही अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। मायावती जी इस गठबंधन में नहीं है, क्या इस गठबंधन को असर पड़ेगा? इससे बिल्कुल असर पड़ेगा। नेताजी, आपकी नजदीकियां, लोगों का कहना है कि भाजपा से बड़ी, क्या उम्मीदें हैं? हमारी नजदीकियां तो इधर 6 साल में आप लोगों से ज्यादा बढ़ी है। नेताजी, अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? देखिए, हम यूपी की अगर बात करें, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी एक मंच पे हो जाए तो 75+ जीतेंगे। ऐसे में अगर बात किया जाए, कल आपके बेटे की शादी है, आपके द्वारा पीएम को भी चिट्ठी भेजी गई है, क्या लगता है उनके भी आ सकते हैं? मैंने तो अखिलेश जी को भी चिट्ठी दी है, मायावती जी को भी दी है, सोनिया जी को भी दी है, राहुल जी को भी दी है,
और मोदी जी को भी दी है, योगी जी को भी दिया, सबको भेजा है। आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है, जो भी असुर होते हैं वो अत्याचार करते हैं। अब असुर कौन लोग हैं अब उसकी व्याख्या तो वही बता सकते हैं बेहतर। उनके राज्य में शासन उनका था तो क्या जुल्म जाति अत्याचार बंद था? थाने से अपराधी छुड़ाए जा रहे थे और अपराधियों को जेल से छोड़ा जा रहा था। अब कौन असुर असुर है क्या है अब तो वही व्याख्या बता सकते हैं। देखिए राजभर समाज इनकी बातों को बहुत पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है और एकजुट है हम लोग। आज यहाँ पे मंत्री जी आए, हम लोग को दो बात बोले, दो कुछ सीखे उनसे। और यहाँ पे महाराज सूर्यदेव का मूर्ति आप लोग देख ही रहे हैं। दीपक जनानी की बात तो जलेगा ही, जो भी बोले हैं वो अच्छा ही बोले, हम लोग के लिए बोले, समाज के भले के लिए बोले हैं, और कुछ नहीं कह सकते।